लाइन मारो। अरे तो बंदा साइड में जाए ना भाई, बीच रास्ते में क्यों जा रहा है। वेलकम गाइस टू डे 4। और हम लोगों ने जैसे कल रात में चेक इन किया था इस होटल में, तो ये होटल कैंप्स है यहाँ पे, आउटडोर पे बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा है इनका व्यू, चारों तरफ पहाड़ है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो सनराइज़ हो ही रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और अभी हम लोगों का प्लान है सुबह जल्दी निकलने का करके अराउंड 7:30 पेंगोंग लेक के लिए, तो वहाँ पे जाके फिर एक नाइट का स्टे है, पर देखेंगे वहाँ पे कैसा रहता है, स्टे करेंगे कि नहीं, पर हमारा बुकिंग तो है स्टे का। तो अभी हम लोग निकलेंगे पेंगोंग लेक के लिए। हम लोग निकल चुके हैं पेंगोंग लेक के लिए कोबरा वैली से। नुमरा वैली से पेंगोंग लेक का डिस्टेंस अराउंड 270 किलोमीटर्स का है और ये ट्रैवल करने के लिए आपको 7-8 आवर्स लग सकते हैं। नुमरा वैली से पेंगोंग लेक का रास्ता कभी पहाड़ों के ऊपर से तो कभी नदी किनारे से होकर गुजरता है और पूरे रास्ते की सीनिक ब्यूटी देखते ही बनती है। बीच में एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे सड़क पत्थरों के बीच गुम सी हो जाती है और यहाँ गाड़ियों का फंसना आम बात है। पहाड़ों के ऊपर पिघलता ग्लेशियर्स का पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर लेकर आता है जिसके नीचे रोड दब सी जाती है और यहाँ गाड़ियों का और बाइकर्स का फंसना आम बात है। लेह लद्दाख की रोड्स को सबसे टफेस्ट रोड्स में गिना जाता है, इसलिए यहाँ पे एडवेंचर बाइकर्स खींचे चले आते हैं। यहाँ पे आप एक रॉयल एनफील्ड और इनोवा कार को स्ट्रगल करता हुआ देख सकते हैं, वहीं हिमालयन बाइक जो कि स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है इन ऑब्स्टेकल्स को ईजीली पार कर जाती है। हमें यहाँ पे आधे घंटे का वेट करना पड़ा, तब जाके यहाँ पे रोड क्लियर हुआ और हम लोग आगे बढ़ पाए। लगाओ ना, लगाओ। ये तो चार लोग हैं। ये फट जाए ना गाड़ी। बंदा जा रहा है। रोक के मारो। अरे तो बंदा साइड में जाए ना भाई, बीच रास्ते में क्यों जा रहा है? नहीं नहीं निकल जाएगा, फ्लो में निकल जाएगा। यहाँ पर भी आप ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी रोड पर आता हुआ देख सकते हैं, जिसे रोकने के लिए पत्थरों की दीवार भी बनाई गई है, पर पानी इतना तेज आता है कि वह रोड पर झरने जैसा गिरने लगता है।
हम लोग पहुंच चुके हैं शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की मूवी जब तक है जा की शूटिंग पॉइंट पे। ये जगह चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरी हुई है। ऊपर नीला आसमान और नीचे हरे घास के मैदान बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप बनाते हैं, और बादलों की शैडो पहाड़ों पे जो पड़ती है उससे भी बहुत ही खूबसूरत सीनिक ब्यूटी बनती है। जैसे जैसे आप पेंगोंग लेक के पास पहुंचते जाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां और मिलिट्री की मौजूदगी आप महसूस करने लगेंगे। अब आप लोग पेंगोंग लेक की पहली झलक देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच से नीला पानी बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक। बहुत ही सुंदर लेक है और हमारा कॉटेज उसके सामने ही है। बिल्कुल कॉटेज है हमारे। और सामने ही हमारा लेक। लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका पानी जो नीले रंग से रंगा हुआ प्रतीत होता है, इसके चारों ओर के शुष्क पहाड़ों के बिल्कुल विपरीत है। लगभग 160 किलोमीटर तक फैली पेंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत में है और अन्य दो तिहाई हिस्सा चीन में स्थित है। झील के पास ही थ्री इडियट मूवी के प्रॉप्स मिल जाएंगे, जहां पर आप इस खूबसूरत लेक की ब्यूटी को पिक्चर में कैद कर सकते हैं। आप यहां चिंतन में घंटों बिता सकते हैं और अभी भी इसकी सुंदरता के लिए पर्याप्त नहीं है। पेंगोंग झील को रंग बदलने के लिए भी जाना जाता है, जो अलग अलग समय पर नीला, हरा और लाल दिखाई देता है। दोस्तों, हम भी अपनी इस लेह लद्दाख ट्रिप को इस खूबसूरत झील पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा।